हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपसे बताया था 8 टाइप्स के पैसिव वॉइस होते हैं जो कि हम लर्न भी कर चुके हैं। तो आज मैं क्या पढ़ाने आपको जा रही हूँ, सम एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। कुछ ऐसे एडवांस रूल जो होते उन 8 में से ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको सिंपल 8 टाइप्स के पैसिव वॉइस बता दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। कुछ भी घबराने की बात नहीं है, इसका नाम मैंने एडवांस रूल्स लिख दिया है। कुछ एक्स्ट्रा रूल्स जो हम फॉलो करते हैं पैसिव वॉइस में, मैंने आपको उधर नहीं बताया था जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बेसिक में लेकर चली थी, लेकिन आज उसी में से कुछ रूल्स मैं आपको बता के जा रही हूँ, क्योंकि अब तो आप पैसिव वॉइस में एक्सपर्ट हो गए हैं, अब तो आप उसके आगे का रूल भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, मैं बताती जाऊंगी, बस आपको वैसे फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे आपने वो 8 टाइप्स के पैसिव वॉइस सीखे हैं ना, तो उसी में ही आप उसके एडवांस रूल्स अगर आएंगे तो आप सीख जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आप सुनिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के ही आते हैं जो कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कभी भी करेक्ट हमें करना रहता है और हमको पता नहीं होता, हम चूज करते रहते हैं कौन सा वाला करेक्ट है। तो ये जरूर आते हैं, SSC में हो गया, जैसे बैंक PO हो गया, तो आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। ग्रामर सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है नो नीड टू राइट डूअर। डूअर मीन सब्जेक्ट। कभी कभी हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमने तो रूल्स में पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस का जो सेंस है उसमें सब्जेक्ट के द्वारा हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यह काम किसने किया। सब्जेक्ट यही तो बताता है किसके द्वारा वो काम हुआ है या होता है या होगा, बाय का यूज करके वो सेंस इसमें वही लगा होता है, मींस वो काम वही कर सकता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है समवन हैज स्टोलन माय पेन। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, इसकी यही होगी। ठीक है, तो मेरा पेन चुरा लिया गया है किसी के द्वारा, तो मैं जो समवन है ना, किसी के द्वारा, वो लिखने का जरूरत नहीं है इधर, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मैं कह रही हूं किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, मेरा पेन चुरा लिया गया। सपोज मैं किसी क्लासरूम या कहीं भी बैठी हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक पेन था, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गई और मेरा पेन वहां पर नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगी? ओ माय गॉड, माय पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा पेन चुरा लिया गया है। अब ऑब्वियसली वहां जितने लोग होंगे उनमें से किसी ने किया होगा, और मैं समवन मतलब मुझे नहीं पता, या तो मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पता हो, मैं बाय राम बाय श्याम, मुझे किसी का नेम नहीं पता, या ही या शी, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा पेन गया कहाँ, चुरा लिया, क्या हो गया उसके साथ, लेकिन मेरा पेन नहीं था, तो मैंने क्या लिखा, मेरा पेन चोरी हो चुका है, माय पेन हैज बीन स्टोलन। तो जहां भी समवन का यूज होता है, मोटी मोटी बात आप ये समझिए, वहां पर हमें डुअल लिखने की, यानी वाय समवन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समवन हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। मेरे गार्डन में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, और वो एक रोज का फ्लावर्स है बहुत ही ब्यूटीफुल, और वो अब नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? ओ माय गॉड, दिस फ्लावर हैज बीन प्लक्ड, मतलब ये फ्लावर किसी ने तोड़ लिया है, तो बाय समवन की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने तोड़ा है। इसका सेंस क्या हो जाएगा जब आप कन्वर्ट करोगे, समवन हैज प्लक्ड द फ्लावर्स, वो समवन ऑटोमेटिक लग जाएगा। सपोज करिए, अगर आपको उल्टा भी तो दिया जा सकता है, अगर आपको दिया जाता है माय पेन हैज बीन स्टोलन, इसका पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाइए, पैसिव से एक्टिव बनाइए, ये भी तो हो सकता है। तो आप क्या सोचोगे, अब एक्टिव तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। आप क्या सोचोगे, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, कैसे बनाए? सब्जेक्ट नहीं है तो आपको समझ जाना है या संबंध होगा, जैसे माय पेन हैज बीन स्टोलन, मतलब कोई भी सब्जेक्ट फिक्स नहीं है किसने चुराया, तो हम संबंध का वहां पर यूज करके देख सकते हैं। तो आप इसका क्या बना दो, संबंध हैज स्टोलन माय पेन। तो उस तरह से
एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. सपोज आपको ये दे दिया माय पेन हैज बीन स्टोलन, आपको फोर ऑप्शन दे दिए, समवन हैज स्टोलन माय पेन, राम हैज, कुछ भी फोर ऑप्शन आपको दे दिए, तो आपको कौन सा चूज करना है? जब डूअर नहीं है तो जो समवन वाला है उससे ही हम सब्जेक्ट समझेंगे. इस टाइप से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. चलिए आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ. पुलिस अरेस्टेड द थीफ. ठीक है, अब ऑब्वियसली एक बात बताइए, थीफ का अरेस्ट करने का काम किसको होता है? टीचर का नहीं होता, एडवोकेट का नहीं होता, डॉक्टर का नहीं होता, किसका होता है? वो तो पुलिस का ही होता है ना. तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ, भाई इसमें तो पुलिस लगाना जरूरी है क्योंकि एक्टिव ना तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन पैसे को इसमें कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर मेन फोकस किसका होता है? ऑब्जेक्ट का. तो देखिए द थीफ वॉज अरेस्टेड. अब वॉज कैसे लगाई तो आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट. पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया तो थीप वॉज अरेस्टेड. या बाय पुलिस में लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि सबको पता है अरेस्ट करने का काम केवल पुलिस का होता है, ये डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल डॉक्टर से ऐसे रिलेटेड हो कि पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा चुका है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बाय डॉक्टर ये लिखने का जरूरत नहीं है. पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन करेगा? पेशेंट वर्ड सुनते ही मतलब वो डॉक्टर के पास ही जाएगा ना जब पेशेंट बन गया. इस टाइप से तो द थीफ वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ पर डुअल लिखने की हमको जरूरत नहीं है. अच्छा, वहां पर हो सकता है कभी कोई ऐसा केस आया हो लेकिन मैंने सब में आपको वाई लगाया हो, वो इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दो दो रूल्स एक साथ ना पढ़े, वहां पर मैंने सिंपल बता दी गई हूँ. लेकिन यहाँ पर अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो तो अब मैं इनमें बता सकती हूँ आपको एडवांस रूल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं फिर बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश कॉमन है, बोली जाती है, तो इंग्लिश इज स्पोकन. आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेटिव पीपल स्पीक, ठीक है, तो ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी बता रही हूँ थोड़ा. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय, अब ऑब्वियसली कौन बोलेगा? पीपल ही बोलेंगे ना, तो बाय पीपल ये लिखने की जरूरत नहीं है. सपोज करिए एग्जाम में आपको ऐसे आ गया इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कन्वर्ट दिस पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, तो आप तो घबरा जाओगे. अरे मुझे तो एक्टिव वॉइस किससे बनाना होता है, मुझे तो किससे बनाना होता है एक्टिव, उससे सब्जेक्ट से, लेकिन मेरे पास तो सब्जेक्ट है ही नहीं, अब मैं कैसे बनाऊं? नहीं, क्यों नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो सोचो, सब्जेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, मतलब क्या कॉमन सब्जेक्ट, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, मतलब पीपल के द्वारा ही बोली जाएगी ना, तो आप अपने आप लगा सकते हो, गलत अपने आप ही सोच के आपको लगाना है. अरे पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर आपके दिमाग में आना चाहिए, टीचिंग से कोई चीज रिलेटेड हुई वहां नहीं लिखी तो टीचर आपके दिमाग में आना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी और आगे, इस टाइप से हो गए. अच्छा, मैं आप मॉडल्स पर मैं जिसकी वीडियो में अभी आगे बताऊंगी, इसके बाद ही बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देखना उसमें क्या होता है, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, बहुत कॉमन है, अवर एल्डर शुड बी ओबे. कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में भी ऐसा लिखा होगा, जो शुड वगैरह होते हैं ना उनके साथ भी हम डूअर नहीं लगाते, मैं आपको मॉडल में बताऊंगी. ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए. अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट की तरफ, प्रपोजिशनल फ्रेजेस. प्रपोजिशन से रिलेटेड हम कोई बात करेंगे. प्रपोजिशनल फ्रेजेस मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रपोजिशन होते हैं जिनमें फिक्स होता है, मतलब कुछ प्रपोजिशन लगते ही है, जैसे शाउट के साथ एट, लाफ के साथ एट. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, जैसे द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, ये पूरा का पूरा हम इसको अलग नहीं कर सकते, हमको एक साथ ही लिखना पड़ता है. कैसे? अच्छा, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, सबसे पहले कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. तो चलिए इसका पहले मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ. अब क्या कर लेंगे, पहले मी को यहाँ ले जाओगे ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैं बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो में आप जाइए, पैसिव वॉइस की. तो आई, अब वॉज पास्ट इंडेफिनिट हो गया, थर्ड फॉर्म लव्ड, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, और ये हम तो बस यही करते थे, आई वॉज लव्ड बाय द गर्ल्स. अब ये एट लव्ड एट भी आ गया और वाई कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये दो दो प्रपोजिशन ऐसे नहीं, ये इस पर होता है
I was laughed at by the girls. इसको हम अलग नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए जहां भी मेन वर्ब की आती है और ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस मैंने इसको नाम दिया है, यानी मेन वर्ब के साथ जो प्रपोजिशन लगे रहते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते पैसिव वॉइस बनाने के बाद भी, चाहे आपको कितना भी और लगे। चलो यहाँ तो लाफ्ड एट नहीं था, लेकिन यहाँ तो एट के बाद दूसरा प्रपोजिशन बाय भी आ रहा है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ये गलत नहीं है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और आप ढूंढते रह जाते हो सही तो इनमें से कोई नहीं लग रहा किस पर टिक कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, दो दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई वॉज लाफ्ड एट कहने का मतलब ये है, ये जो लाफ्ड एट है ना ये पूरा एक साथ ही यूज होगा, ये पूरा एक साथ यूज होगा आई वॉज लाफ्ड एट, इसको हम अलग हटा नहीं सकते या अलग नहीं कर सकते। अगर एक्टिव वॉइस में प्रपोजिशन मेन वर्ब के साथ लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस, जो पूरी की पूरी मेन वर्ब की तरह ही यूज होते हैं। अगर हम मेन वर्ब लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हम पूरा मेन वर्ब इनको मान के चलेंगे, इसके साथ जो प्रपोजिशन लगा है, और उसके बाद अपना सिंपल बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा एक और इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, शी लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों की देखभाल करती है। ठीक है, और इससे मुझे पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो माई चिल्ड्रेन ये पूरा का पूरा क्या हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे पहले, माई चिल्ड्रेन आर लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है आर। अच्छा अब इसको ये मेन वर्ब हो गई तो ये लुक्ड हो जाएगी, और उसके साथ क्या लगा है प्रपोजिशन, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये लुक्ड तो कर दी हमने, और इसके बाद आफ्टर ये पूरी की पूरी आप मान के चलिए मेन वर्ब का काम करेगी, लुक्ड आफ्टर पूरा एक माना जाएगा, इसको अलग मत करिएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है पूरा का पूरा मेन वर्ब, माय चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय हर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हिम्मत लिखने की गलती करिएगा, जिसने पहचान लिया बहुत अच्छी बात है, वो एक्सपर्ट होता जा रहा है, टीचर तो पहचान ही लेगी भाई, माय चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय हर। तो ये लुक्ड आफ्टर में से आफ्टर मत हटा देना कि या तो बाय का यूज हो रहा है तो एक ही नहीं, ये पूरा एक ही माना जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसलिए देखते हैं, आपके लिए नई चीज है तो मैंने ज्यादा एग्जांपल दिए हैं। दे लिसन टू म्यूजिक, अब म्यूजिक इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ है प्लूरल, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है ना पैसिव वॉइस में सिंगुलर या प्लूरल, तो म्यूजिक इज लिसेंड टू पूरा, लिसन टू और टू के साथ बाय भी, और अजीब लग रहा है, नहीं अजीब नहीं, ये ही सही होता है, म्यूजिक इज लिसन टू बाय देम, और देगा क्या हो जाता है देम, समवन शाउटेड एट हर। अच्छा अब इसमें दोनों चीज आ गई, एक तो ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ गया पूरा, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस का आ गया और यह समवन वाला भी आ गया, तो हमें हटा रहे हैं, तो ये भी मिक्स हो गया और इसमें ये भी मिक्स हो गया, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हर का क्या बन जाएगा शी, और शाउटेड हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिटिव तो कौन सी आएगी वॉज, और समवन वॉज और थर्ड फॉर्म शाउटेड, फिर शाउटेड एट पूरा का पूरा और यहीं पर फिनिश हो जाएगा। ये बाय समवन तो मैंने बोला है ना समवन का यूज करते ही नहीं है, हटाते थे, डुअल लिखना जरूरी नहीं होता, बता दिया। कोई भी आपका प्रोपोजिशनल फ्रेजेस आ जाए या कोई भी इस टाइप का आपका आ जाए जहाँ डुअल लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको अपने आप बताना है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, जैसे आपको दे दिया था थी वॉज अरेस्टेड और इसके बाद चार ऑप्शन दे दिए, इस पर से आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, अब आप क्या सोचोगे पुलिस अरेस्टेड ही तो हो नहीं सकती, क्योंकि पुलिस तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज भी अगर ऑप्शन है आप उसमें से कर जाओगे नन ऑफ दीज, इसका बन ही नहीं सकता, नहीं वहां पर एक ऑप्शन होगा पुलिस अरेस्टेड द थी, जिस पर आपको टिक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस ही उसको अरेस्ट करती है, तो ये हमेशा अपोजिट ज्यादा दिए जाते हैं, माई पेन हैज बीन स्टोलन, तो ताकि आपको पता ना चले कि क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रपोजिशन जिनके साथ हम सब्जेक्ट में बाय का यूज नहीं करते, मतलब सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज नहीं करते, या उन प्रपोजिशन के साथ हम लोग बाय का यूज नहीं करते, बल्कि उनकी जगह किसी और प्रपोजिशन का यूज करते हुए सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैसे वॉइस बताया था बाय, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अभी तक यही बताया है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, कोई कोई प्रपोजिशन ऐसे होते हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो कौन से प्रपोजिशन होते हैं जिसमें हम बाय की जगह कोई और ही प्रपोजिशन यूज करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन ऑब्लाइज मेरिट। इन सबके साथ प्रपोजिशन के बाद यूज होता है टू, यानी मेन वर्ब की फॉर्म में ये यूज होती है और इनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं टू प्रपोजिशन का। कैसे देखते हैं, एवरीबडी नोज गांधी जी, ठीक है, ये कुछ वर्ब्स है, गांधी जी को हर कोई जानता है, तो मैं इसका हिंदी में ना बता के तो आप ये समझ ही गए होंगे, ठीक है, जो आप एट रूल्स पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, गांधी जी इज नोन। इसके बाद आप फटाफट से लिख दोगे बाय एवरीबडी, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा और ये ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा, गांधी जी इज नोन बाय एवरीबडी, टू एवरीबडी या कुछ और एट एवरी, इस टाइप से कई टाइप दे रखे होंगे और आप फटाफट से क्लिक कर दोगे बाय एवरीबडी और जो कि हो जाएगा आपका नो। तो जो नोन ऑब्लाइज मेरिट होते हैं इनके साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होता है, बाय का यूज नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा है अदर प्रपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाय, बाय की जगह दूसरा प्रपोजिशन का यूज करना। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी, क्योंकि मैं आपको एडवांस रूल बता रही हूँ, मतलब उसमें सही कुछ ऐसे रूल्स जो थोड़े हटकर होते हैं उससे, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, बेसिक आपने सीख लिया, थोड़ा सा एडवांस लेवल हम कॉम्पिटिटिव का प्रिपेयर भी करते हैं। अब एक और लेते हैं, ही विल ऑब्लाइज मी, तो आई विल बी ऑब्लाइज टू हिम, बाय हिम नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, इस टाइप से आपके लगते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड होते हैं, जो वर्ब होती है, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, एनॉयड, और भी होती होंगी, मैंने बहुत कॉमन जो ली है, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, ज्यादातर पूछी जाती है एक्सेट्रा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। इनफैक्ट जो शाउटेड, लाफ, इन सबके साथ भी एट यूज होता है। जैसे देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो मी का यहाँ पर आए, ठीक है, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही, डायरेक्ट पढ़ रही हूँ, फोकस मेन कर रहे हैं प्रपोजिशन पर। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस, आप लिख दोगे जो कि गलत हो जाएगा, एट योर इंटेलिजेंस यही लिखा जाएगा। हिज रूड बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय हिज रूड बिहेवियर, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज रूड बिहेवियर। तो आपको याद रखना है सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, एनॉयड, और मैं और लगा थी शाउटेड और लाफ्ड, इन सबके साथ हमेशा एट का यूज होता है, बल्कि शाउट और लाफ वाली तो एक फॉर्म में आपको बता भी चुकी हूँ, जो मैंने बताया था, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता लिखना, या कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपके कुछ ऐसे प्रपोजिशन होते हैं। नाउ प्लीज डिस्गाइड, सेटिस्फाइज, इम्प्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने लिख दिया है, और भी हो सकता है छूट गए हो, मैं आपको यहाँ पर जो मेन यूज होते हैं डेली लाइफ में, कॉमन बहुत ज्यादा यूज होते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो वाले वर्ड मैं बता रही हूँ। इन सब के साथ हम यूज करते हैं हमेशा विद का, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। अब इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, तो द ऑफिसर्स हमने लिख लिया, और इसके बाद आप ये पहचान लोगे, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख ली ऑफिसर से, तो आर सेटिस्फाइड। अब इसके बाद आप लिख दोगे बाय योर वर्क, जो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सेटिस्फाइड के साथ आएगा विद योर वर्क, ये होते ही हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको ये मिलेंगे और उतने ही ज्यादा आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे, पहचान लोगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। माय बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो हिम का हो जाएगा ही, वाज प्लीज्ड पास्ट इंडेफिनिट, अब आप लिखोगे बाय माय बिहेवियर रॉन्ग, ही वाज प्लीज्ड विद माय बिहेवियर, इस तरह से हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टेड कंटेंट एसेट्रा, और भी आगे बहुत होते हैं, ये बहुत कॉमन है, इंटरेस्टेड कंटेंट, यही अभी मेरे माइंड में आया है तो मैंने आपको यही लिख दिया है। अब इसके बाद दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड बाय द बॉक्स, गलत, इन दिस, इन द बॉक्स, द है दिस है, तो इन दिस बॉक्स होगा, ठीक है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, यहां दिस है तो यहां भी दिस होगा। Many beautiful things are contained in this box. In this, ना कि by this. This books interests me. तो I am interested. I के साथ am लगता है.
आर नहीं लगता ना इज लगता, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ना कि आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक। हम जनरली ये सेंटेंस बहुत यूज करते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, लेकिन आपको एक्चुअल में पता है ये पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलता। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस एक्टिविटी, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कॉम्पिटिशन, इस टाइप से। तो आर यू इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हम हमेशा इन यूज कर रहे हैं और हमें आज तक पता नहीं चला, लेकिन इसका लॉजिक अब आपको पता चल गया। ये होता है रूल, हम ये रूल बोलते तो है क्योंकि शुरू से बचपन से सुनते हुए आए हैं, अपने आस पास जो हम सुनते वही बोलने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रामर का रूल ये फॉलो करता है। अच्छा अब ये खत्म हो गया प्रपोजिशन। अच्छा आप एक, मैंने इंटरोगेटिव हर में बताया आपको, एट पैसिव वॉइस जो मैंने करवाए हर में, लेकिन मैंने वो वाला इंटरोगेटिव नहीं बताया क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने आपसे शायद किसी वीडियो में बोला भी है कि हु वाला नहीं लेंगे, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम हु वाला यूज नहीं करते। अगर वो यूज करना पड़े तो हम कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो देखिए हु हैज रिटन दिस बुक, ठीक है। अब हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते थे, हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फलाना फलाना, और लास्ट में बाय का यूज करते हो सब्जेक्ट। लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपका नहीं होता क्योंकि हम सब्जेक्ट को ही क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हमारा हु, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी टेंसेस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हु हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, तो जो हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा बाय भी उसी के साथ लग जाएगा, तो उसमें क्या लग जाएगा, बाय हू। हम स्टार्टिंग ही इसी से करेंगे, हम यहां पर बाय लगा देंगे और हू का हो जाएगा हूम, क्योंकि कौन बन जाएगा, किसका या किसकी, ठीक है। ये बुक किस, कौन, किसने बुक लिखी है, किसके द्वारा, ठीक है, और किसका या किसकी की इंग्लिश होती है हू, बाय हूम। इसके बाद सिंपल चलेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन रिटन। यहाँ पर बाय हम यूज करते थे, इसकी जगह बाय हमारा हूम हु के साथ ही यूज हो जाएगा और हु कन्वर्ट हो जाएगा हूम में, क्योंकि मैंने आपको बताई थी अगर हम हु हटा दें तो सिंपल, जैसे राम हैज रिटन दिस बुक, तो सिंपल क्या बन जाता है, अफर्मेटिव। तो जब हु सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है तो बाय भी तो सब्जेक्ट के साथ लगता है और ये स्टार्टिंग में लग जाएगा, ये इसका एडवांस रूल है। मैंने आपको वहां पर नहीं बताया, बोल दिया कि हु का हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में होता है। मैंने यहाँ के लिए बचा के रखा था कि जब मैं एडवांस रूल बताऊंगी पैसिव वॉइस के तभी आपको बताऊंगी, क्योंकि वहां पर हम नए नए सीख रहे थे ना पैसिव वॉइस, कंफ्यूज हो जाते कि हम ये भी लर्न करें, हम ये भी लर्न करें, ये आ गया, अब आप उसमें परफेक्ट हो गए, वो आप सीख चुके हो, तो अब आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, हल्का फुल्का चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि हम ये तो करते ही थे बस इसकी जगह ये, तब आपको ये भी नहीं पता था कि ऐसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको एडवांस रूल वहां नहीं बताए थे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हु का, हु स्टोल द पेन, तो क्या हो जाएगा, बाय हूम, और हैज द पेन बीन स्टोलन। अच्छा अब इसमें बताइए ये सही है या नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कैसे गलत हो गया, बाय हूम भी लगा रहे हैं ये भी लगा रहे हैं, तो ये कैसे गलत हो गया, अब कौन सा रूल है, वही रूल की बात नहीं कर रही, पुराना रूल है ये, हु स्टोल द पेन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, किस किस ने पहचान लिया था ये, या मेरे साथ ही करते चले गए, मैंने जानबूझ के लिखा था, किस किस ने पहचाना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिस जिसने पहले ही मेरी मिस्टेक पकड़ ली थी। हु स्टोल द पेन, अब इसमें क्या है, तो फिर लेकिन रूल थोड़ी ना चेंज कर दोगे, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि सब में परफेक्ट वाला रूल लगेगा, टेंसेस का ही रूल लगेगा, बस बाय का देखना है, तो यहां पर मैं लिख रही हूं क्या हो जाएगा इसका, बाय हूम, ठीक है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, वॉज, बाय हूम वॉज द पेन, अब बी मीन तो आती नहीं, एक ही पार्ट में होती है, तो डायरेक्ट यहां लगा दो थर्ड फॉर्म स्टूल, बाय किसके द्वारा पेन चुराया गया, बाय हूम द पेन स्टोलन, बाय हूम वॉज द पेन स्टोलन, यहां पर मत लगा देना हेल्पिंग वर्ब, ये तो रूल यही रहेगा। तो यहां पर आपके सारे एडवांस रूल जितने भी थे पेश कर दिए, अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा मिलता है तो मुझे मेल करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वाला मुझसे रह गया है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी अगर आपको समझ नहीं आता, और मेरी अब तक की वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तुरंत पूछिए आप, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस आइकन बटन, विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।